नमस्कार, विपुल समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भय या मजबूरी में नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना से काम करते हैं नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय, सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा अधिकारी 65 वर्ष में होंगे रिटायर। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी मारे गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, कथित घोटाले के समय में बच्चा था, FIR भाजपा की साजिश। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कटाक्ष, कश्मीर में आतंकियों से लड़ने के लिए गोरक्षकों को भेजे भाजपा। केरल के पयनूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर हमला और आगजनी, माकपा कार्यकर्ताओं पर आरोप। उत्तराखंड में बिना इंजन के 30 किलोमीटर दौड़ी मालगाड़ी, हादसा टला। जियो कस्टमर्स डेटा लीक मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया। लालू यादव के दामाद शैलेश से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। ट्रंप जूनियर ने रूस के साथ बातचीत का ईमेल जारी किया, खुफिया एजेंसी के समक्ष पेश होने की मांग। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर बनेगी दीवार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वादा। चीन कम करेगा 10 लाख सैनिक, अभी 23 लाख सैनिक हैं चीन के पास। चीन के दक्षिण पूर्वी फुजियान प्रांत में धोखाधड़ी के आरोप में 35 जापानी नागरिक गिरफ्तार। आज की खास खबरें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।